एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। तो अपनी फिजिक्स की न्यूमेरिकल की सीरीज का ये है सेट थ्री, जिसमें देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी 100% चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया है मीनार से, ठीक है, इतने वेग वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो ज्ञात करना है कि भूतल पर कितने समय पश्चात पहुँचेगा। तो इस क्वेश्चन की मैं आपको दो अप्रोचेस बताऊंगा। पहली अप्रोच क्या है कि बेसिक होगी, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, और दूसरी अप्रोच क्या है जो आपको एग्ज़ाम में यूज़ करनी है, जो टाइम कम लगेगा जिस अप्रोच से, ठीक है। तो दोनों समझते हैं क्या है। सबसे पहले क्या कह रहा है, फिगर समझ लो, एक मीनार है, मान लो उसकी कितनी दे रहा है ऊँचाई 40 मीटर। तो इस मीनार पर यहाँ पर खड़ा हुआ है कोई, तो वहाँ से पत्थर ऊपर फेंकता है, तो ये पूछ रहा है कि ऊपर जाएगा यहाँ पर कहीं मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा वो, फिर यहाँ नीचे आएगा, तो टोटल यहाँ से ए पॉइंट से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहले यहाँ मैक्सिमम हाइट पे जाने पे मान लो T1 टाइम लगेगा, उसे यहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ आने में पूरा T2। तो पहले इसको बेसिक से समझते हैं क्या है। तो आपको पता है जब भी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है कोई, तो वी जीरो हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तभी तो मैक्सिमम हाइट बनती है जाके। तो सबसे पहले न्यूटन का रूल लगा दो, वी इज इक्वल टू यू माइनस GT। अब यहाँ पे सर प्लस होता है माइनस क्यों आया, तो प्लस माइनस का सिस्टम होता है, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई पार्टिकल जाता है तो माइनस आता है, और ग्रेविटी की तरफ ही आता है, जैसे ग्रेविटेशनल अर्थ की तरफ लगता है, तो कोई ऊपर से अर्थ की तरफ आ रहा है तो प्लस ही रहेगा बीच में, लेकिन अगर ऊपर जैसे पत्थर ये मीनार से ऊपर जा रहा है तो इसलिए बीच में माइनस आ गया, ठीक। कहाँ माइनस आता है कहाँ प्लस, ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, वी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यू आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, जी का मान 10 × T, तो यहाँ से हम उस तरफ ले जाएंगे तो 10T उस तरफ प्लस का होगा, 10 से 10 कटेगा, तो T = 1 सेकेंड, यानी कि आपका एक स्टेप क्लियर हुआ कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसे 1 सेकेंड लगा, ठीक है। अब क्या है, अब देखो मैं इसको कट कर रहा हूँ, आपने इतना निकाल लिया कि मैक्सिमम हाइट पे वो 1 सेकेंड में पहुँच गया, ठीक है, ये मीनार थी, यहाँ तक मीनार है मान लो 40 है, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट पे वो एक यहाँ पे पहुँच गया 1 सेकेंड में। अब हमें निकालना है कि यहाँ से यहाँ, अब पहले ये बताओ दूसरा जो आपका स्टेप होगा वो आप लगा दो, U² = V² - 2GH। सेकेंड स्टेप आपका ये होगा, V आपने पढ़ा होगा रूल न्यूटन का दूसरा वाला, तो उससे आप पहले H निकाल लो कि ये H कितनी है, यहाँ पे आपने टाइम तो निकाल लिया, वहाँ जाने पे T सेकेंड लगा, तो V जीरो हो गया, U 10 × 10 क्वेश्चन में दिया गया है, -2 × G = 10 × H, तो यहाँ से 100 उधर जाएगा, तो 100 20 से डिवाइड करेंगे तो H कितना आएगा, 5, यानी कि ये हमने H निकाल ली मीनार से लेके जहाँ तक वो पत्थर जा पा रहा है मैक्सिमम हाइट तक, वो 5। तो अब ध्यान से समझना, 1 सेकेंड में 5 मी ऊपर जाएगा, ठीक है, इतना क्वेश्चन। अब ये 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, अब ध्यान से देखना है, यहाँ तक 40 था, यहाँ तक हमने 5 निकाला, तो टोटल 45 हो गया, क्योंकि मीनार से 5 ऊपर भी गया, 1 सेकेंड में ऊपर यहाँ पे आ गया 45 में, ये हाइट कितनी है 45। अब फाइनली आपको क्या कर देना है, H = UT + ½ GT² लगा देना है, जिसमें U इनिशियल वेलोसिटी जीरो रख देना, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, टाइम हम निकाल रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर, तो अब ये जीरो पोर्शन हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H आ जाएगा, 2H / G, ये G है तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, और T² है उधर, और स्क्वायर खत्म होगा तो रूट, फाइनली T इतना ही तो आएगा, क्या आएगा T इस फॉर्मूले से, 2H / G = 2H, का पूरी H कितनी निकाली, 40 मीनार थी और 5 अपना वो आया था, तो पूरी 45 / G 10, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट, तो ये 90 हो जाएगा ऊपर, और 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स आएगा, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड लगे उसको, ठीक है, और 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट पे लगा था, तो टोटल 4 सेकेंड आंसर हो गया। लेकिन ये अप्रोच आपको फॉलो नहीं करनी है, ये केवल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे वर्क करता है, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो की एक आपको प्रॉफिट होता है कि कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, आप बैक करके देख सकते हैं। अब जो एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखो केवल ये फॉर्मूला लगा देना है, H = UT + ½ GT². अरे सब सिंपली सर यही लगाना था, तो उतना क्यों करवाया, उतना इसलिए करवाया क्योंकि इसमें कुछ आपको रटना पड़ेगा, क्या कि H आपको इस तरह का फॉर्मूले के लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम से पैनेसिया है, क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो H माइनस में रख दो, कितना है 40 है टोटल, ठीक है, केवल इसी तरह की क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ ये अप्रोच, और जो बेसिक से जाना चाहते हैं वो तो मैं बता चुका हूँ,
एच 40 रख देना है, ठीक है। यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है, इंटू टी। अब बीच में माइनस लगा देना है, हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा कैलकुलेट करोगे तो बन जाएगी 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो। देखो आप लोग बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो कि ये भी मैं अब फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ, आपको पता है, तो ये कैलकुलेशन आप पेन पेपर लेके बैठा करो, ये आप करना, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टी की एक वैल्यू आएगी 4, एक आएगी माइनस 2, तो माइनस वाली नहीं लेंगे, तो यहाँ से सीधा सीधा टी एक ही स्टेप में आ जाएगा। अब एक ही स्टेप में करने के लिए इस तरह का जब भी मीनार से लेके कोई ऊपर फेंका जाए और पूछा जाए कि नीचे आने तक टोटल टाइमिंग कितना लगेगा, तो सिंपली यही लगा दो, बस आपको जो हाइट है वो नेगेटिव रख देनी है। क्यों रख देनी है ये मत कह, ठीक है, कमेंट करना, क्योंकि अगर आपको बेसिक से जाना है तो वो मैं एक अप्रोच बता चुका हूँ इस तरह के लिए, और बीच में माइनस लगा देना है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा से देख सकता है, ठीक है, बैक करके दोबारा देख लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग इतना है, 3i कैप प्लस 30 प्लस 40 j कैप मीटर पर सेकंड है, इसका उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास ज्ञात करो। तीन चीज़ें ज्ञात करनी है। अब क्या है कि अगर किसी कंपटीशन में आएगा ये क्वेश्चन तो फिर एक पूछ देगा, या मैक्सिमम हाइट पूछ देगा, या क्षैतिज परास पूछ देगा, तो मैंने तीनों को कंपाइल कर लिया। तो एक बार आप समझ लो, कुछ भी पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में तो क्या करना है। अब क्या सबसे पहले क्या करो, आप पॉज करो, क्या आप कर पा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, जो ये आई कैप होता है ये एक्स अच वाला होता है, और जो और जे होता है ये बाई एच का होता है, और अगर यहाँ पे के और होता तो वो एक्स बाई जेड का हो जाता है, 3D का ये रहता है। तो मैंने बताया है कि ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, यू एक्स क्षैतिज घटक होता है, और यू वाई ऊर्ध्वाधर घटक होता है, ये यू वाई होता है यू साइन थीटा मैंने बताया था, और यू एक्स होता है यू कॉस थीटा, ये क्षैतिज रहता है और ये ऊर्ध्वाधर रहता है, ठीक है, यही इसमें समझना था। अब क्या करना है कि आपका यू वाई कितना दिया है, 40 दे दिया, सीधा सीधा पूरा यू वाई यू साइन थीटा 40 दे दिया है इसमें, जो ये वाई एच वाला, और ये यू कॉस थीटा ये 30 दे दिया है, ठीक है। अब उड्डयन काल यानी कि टाइम पीरियड, तो फॉर्मूले भी आपको याद करने पड़ेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2u sin θ / g, ठीक है, जिसे याद नहीं था वो अब याद कर लो। टाइम पीरियड जो प्रक्षेप गति वाला, मैंने सेपरेट पूरा वीडियो बनाया, अच्छे से पूरा प्रक्षेप गति पढ़ाया, जिसे नहीं पता है जाके देख सकता है मेरा वीडियो, ठीक है। तो 2 into, अब यू साइन थीटा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक, और ऊर्ध्वाधर मतलब वाई एच वाला, यानी कि यहाँ पे कितना रख देंगे, 40 / g, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 सेकेंड, कितना आ जाएगा टाइम पीरियड 8 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट, अब मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब यू, अब देखो यू साइन थीटा, अब यू साइन थीटा का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, मैंने बताया था, और ऊर्ध्वाधर ये बाई एच ऊपर होता है और एक्स एच इधर होता है, तो ऊर्ध्वाधर बाई एच वाला ही तो काम करेगा, इसमें ये एक्स एच वाला है ये बाई एच वाला, तो इसमें कितना रख देंगे वाई एच वाला 40, अब उसका स्क्वायर करना है तो 40 into 40 अपॉन 2 into g का मान 10, तो 20 से दो बार कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 80 मीटर, 80 मीटर मैक्सिमम हाइट आ गई, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं क्षैतिज परास, तो क्या होता है कि आपको एक रिलेशन याद करना है कि जो रेंज होता है क्षैतिज परास वो क्षैतिज वेग गुणा उड्डयन काल यानी कि टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला याद रखो। तो क्षैतिज वेग अपन ने कितना निकाला था, अभी 30 into टाइम निकाला था कितना 8 सेकेंड, ठीक है। तो आपका क्षैतिज वेग सवाल में दिया गया है कितना है, क्षैतिज वेग भी इसी तरह से आप निकाल सकते हो, तो इसका 240 आ जाएगा, क्षैतिज वेग भी निकाल सकते हो आप, क्या निकाल क्या सकते हो, अब क्षैतिज वेग कह रहा है ना, तो क्षैतिज का मतलब एक्स एच वाला, ऊपर ऊर्ध्वाधर वाई होता है, तो क्षैतिज वेग क्वेश्चन में दिया है 30, तो यहाँ पे 30 रख दिया, ठीक है, इंटू 8, तो 240, तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन हो गए। देखते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर 8 न्यूटन व 6 न्यूटन के 2 बल लंबवत आरोपित हैं, पिंड पर उत्पन्न त्वरण का परिमाण ज्ञात करो। तो एसिलरेशन पूछा गया है, ठीक है, और फोर्स दिए गए हैं 2, 5 किलोग्राम का पिंड है। अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा। अब मास तो पता है 5 है, लेकिन एफ इसमें कौन सा वाला रखना है, 8 न्यूटन का रखना है या 6 न्यूटन का रखना है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूँ, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आज के बाद आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है,
पहले इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर। रिजल्टेंट निकालो तो एफ वन कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, उसका अंडर रूट लेंगे तब ये पूरा 100 बनेगा, 100 उसका स्क्वायर रूट लोगे तो पूरा रिजल्टेंट एफ आएगा आपका 10। तो अब लगा दो एफ इज इक्वल टू फोर्स मास इंटू एसिलेरेशन, तो एसिलेरेशन निकालना है तो फोर्स कितना है 10, मास कितना दिया है 5 किलोग्राम, तो रख दो तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा 2, ठीक है। तो त्वरण इस तरह से आ गया। तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि F कौन सा वाला रखना है, पहले रिजल्टेंट F निकालो उसके बाद इस तरह से अप्रोच करो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 360 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से उड़ते हुए एक वायुयान का, एक हवाई जहाज है, 1000 किलोवाट वाला इंजन उड़ान के लिए कितना बल लगा रहा है, ठीक है। आपकी उसकी चाल दे दी गई है और उसका इतना दे दिया गया है, उसके इंजन का इतना किलोवाट वाला इंजन है, तो फोर्स पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अब पॉज करो क्या आपको आता है। तो क्या सबसे पहले क्या करना है कि पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी होता है डब्लू अपॉन टी, ठीक, वाट पी होता है डब्लू अपॉन टी, और कार डब्लू होता है वर्क और टी होता है टाइम। अब आपने पढ़ा होगा डब्लू इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या एस लिख सकते हैं, तो W इज इक्वल टू ये होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कार्य बराबर एफ एस भी होता है, आपको पता होगा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे W की जगह पे एफ इंटू एस लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट मान लो हम D लिख ले रहे हैं, ठीक है, आपको S से प्रॉब्लम है तो D लिख लिया, अपॉन T। हमने क्या किया, P इज इक्वल टू W अपॉन T लगाया, W की जगह पे F इंटू D लिख सकते हैं, फोर्स इंटू कार्य बराबर बल गोड़े विस्थापन होता है। अब देखो D अपॉन T को क्या लिख सकते हैं, दूरी बटे समय को क्या लिख सकते हैं, चार लिख सकते हैं, तो सिंपली फॉर्मूला निकल के आया P इज इक्वल टू एफ वी, ठीक, क्योंकि चार बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय को हमने V चार लिख लिया। तो इस तरह से ये ड्राइव होके आया, आप सीधा याद भी रख सकते हो कि F इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू एफ वी, क्या याद सकते हो एफ वी। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, फोर्स, तो फोर्स हो जाएगा पी अपॉन वी। अब याद क्या रखना है, पी सीधा सीधा यही मत रखते ना, ये किलो वाट है, ठीक है, तो इसको वाट में बदलो, तो 1000 में कितना होता है, 1 किलो वाट में 1000 वाट, तो 10 की पावर 3 का गुणा हो गया, ये वाट हो गया अपॉन। अब देखो 360 नहीं रखना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर ये वाट में रखा है तो ये मीटर पर सेकंड में रखो, तो 360 किसी भी चाल को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 18/5 का गुणा कर देते हैं, तो 18/5 से गुणा करोगे तो इसको 5 से कट करो, तो 5/7 इसको कट कर लो, कितना है 360 इंटू 5/18 से गुणा करते हैं, सॉरी 18/5 से नहीं करते हैं, 5/18 से, तो 18 से दो बार कट जाएगा तो 20, और 20 पर 100 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये इतना न्यूटन आ गया, 10,000 न्यूटन आपका फोर्स आएगा। इस तरह का क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो हवाई जहाज वाला क्वेश्चन, उसके लिए फोर्स पूछा जाए तो पहले किलो वाट को वाट में बदलो, ये फॉर्मूला याद कैसे निकल के आया वो भी बता दिया, और सिंपली आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। तो ये था इसका सॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर इतने सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है, ठीक है, 31.4 सेकंड में 10 चक्कर से घूर्णन कर रहा है, तो रोटेशन कर रहा है, तो पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा की ज्ञात करना है। कौन सी गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, वो तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, वो नहीं, घूर्णन, यहाँ पे जड़ तो आघूर्ण वाली बात हो रही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या है, आपको आर व्यास दिया है, कितना व्यास दिया आपको 2 मीटर, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो 2/2 करेंगे तो आधा करेंगे तो 1 मीटर त्रिज्या यानी कि रेडियस आ गई, ठीक। एम आपको दिया गया है, एम कितना गया, 1 किलोग्राम, ठीक। तो यहाँ से आप, यहाँ से जड़ तो आघूर्ण आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, निकाल सकते हो आई बराबर एम आर स्क्वायर, एम है 1, आर, आर का मान भी 1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आपका आई आ गया, जड़ तो आघूर्ण कितना आ गया 1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब याद क्या रखना है, मतलब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ तो आप इतना देखते चलो, स्टेप बाय स्टेप कोऑपरेट करते चलो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा कि सर मैं फ़ोन की स्क्रीन से कोऑपरेट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। तो आई निकाल लिया एम आर स्क्वायर से, एम आर स्क्वायर से आई निकाल लिया, कितना आया 1, जड़ तो आघूर्ण 1 आया। अब देखो कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn, जिसे नहीं पता है तो पता होना चाहिए, अब ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn, तो 2π का मान कितना होता है 3.14,
अब यहाँ पे एन क्या होता है, एन होता है चक्करों की संख्या। अब कितने चक्कर लगा रहा है, 10 चक्कर लगा रहा है, कितने समय में, 31.4 सेकंड में, तो ये एन हो गया। एन क्या होता है, चक्कर प्रति सेकंड, तो ये 10 चक्कर इतने सेकंड में, तो ये एक चक्कर प्रति सेकंड आ गया। तो इसको जब कट कर दशमलव हटाओगे तो यहाँ एक अंक उधर जाएगा, तो ये सिंपली इसको कट करोगे तो ये पूरा 10 से ख़त्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 रेडियन पर सेकंड आ गया उसका ओमेगा, यानी कि कोणीय वेग। आपका क्वेश्चन हो चुका, आपने ओमेगा निकाल लिया और आई निकाल लिया। अब जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इसमें रोटेशन वाले में वो होता है आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई की वैल्यू कितनी अपन ने निकाली थी अभी, एम आर स्क्वायर से 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा निकला 2 का स्क्वायर 4, तो 2 से 2 बार ये कट हो जाएगा, तो 2 जूल आपकी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा 2 जूल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो यार, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो रिपीट करके देख सकता है। देखो बार बार तो मैं नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि मुझे नहीं पता है कि, इसीलिए तो मैं लाइव आने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं पता रहता है कि आपका डाउट किस जगह पे। मैं अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप बता जरूर दिया करो, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से उसके इम्प्लीमेंट तभी कर पाऊँगा जब आप लोग बताओगे कि कहाँ पे मैं कमी कर रहा हूँ, किस तरह से मुझको मतलब समझाने का या क्या, वो आप बताते रहना। ठीक है, देखते हैं आज का मोस्ट, आज का सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, अगर उसमें फिजिक्स आती है, इवन आप 12th का पेपर भी दे रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या है, और एयरफोर्स का तो फेवरेट है ही, जो दे रहे हैं एग्ज़ाम उन्हें पता होगा। पृथ्वी तल से कितनी गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 60% रह जाएगा। अब इसकी मैं आपको इतनी अच्छी अप्रोच बता दूंगा कि आपको कुछ नहीं याद रखना है, सीधा याद ये रखना है। देखो मैं सभी टाइप कराऊंगा, आप नीचे जाने वाला इस वीडियो में करा दे रहा हूँ, ऊपर जाने वाला नेक्स्ट में करा दूंगा। ठीक है, तो पेशेंस रखना है, कमेंट ये मन नहीं करने लगना कि सर ये नीचे जाने वाला बता दिया, ऊपर जाने वाला भी बता दो, तो बस पेशेंस के साथ जुड़े रहना है। आपको मैं 100% बहुत अच्छा स्कोर करवा दूंगा फिजिक्स में। ठीक है, तो क्या है कि जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने वाला नीचे जाने के लिए जो जी डैश हो जाता है वो हो जाता है G1 - H जिसने अपॉन RE, जहाँ पे H क्या होता है, जितनी गहराई में जाते हैं, यहाँ पे आप D भी लिख सकते हो, बस यहाँ पे 2H कर दो तो वो ऊपर जाने वाला हो जाता है, तो अभी 2 को यहाँ पे छोड़ो, ये रहता है सिंपली। ठीक है, अब G डैश इज इक्वल टू G, कितना कह रहा है, त्वरण का मान 60% रह जाएगा। 60% का मतलब 60% को हम 60/100 लिख सकते हैं, 1 - H/RE। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एक बार इसको मैं मिटा लेता हूँ, इसको जूम करके फिर अच्छे से पूरी इसकी, हाँ एक बार अब ध्यान से समझना। ठीक है, तो जी डैश बराबर आपको क्या होता है, G1, इसमें टाइम नहीं लगेगा, अगर इस तरह के एक दो क्वेश्चन आप रिवाइज कर लोगे तो विद इन अ मिनट आप कर लोगे इसको। ठीक है, तो अब देखो जी डैश वो क्या कह रहा है, जी डैश कितना हो गया, जी का 60%, तो 60% को ऐसे लिखा तो ये 0.6 हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6G, तो जी डैश की जगह पे हम 60% का मतलब 0.6G लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करना है और सिंपली 2 सेकंड में आंसर। अब देखो 2 सेकंड कह दिया, उसमें भी कमेंट करेंगे कि 2 सेकंड में कहोगे यार तुम लोग भी ना कमेंट बहुत ऑड करते हो सच में, कुछ लोग तो अच्छे इनकरेज करते हैं लेकिन अदरवाइज सभी। अब देखो जी डैश इज इक्वल टू G1 - H/RE, अब जी डैश अपन ने कितना निकाला, 0.6G, क्योंकि 60% रह गया था, इज इक्वल टू G1 - H/RE। केवल यही एक स्टेप था जो थोड़ा था करने वाला। अब यहाँ से अब अगर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे देखना H/RE कितना आ जाएगा, 1 - 0.6, तो 1 में से 0.6 आएगा तो 0.4 आ गया, कितना आ गया H/RE 0.4। अब देखो इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, याद रखना H/RE आ गया 0.4, कैसे आ गया मैं बता दिया, H/RE आ गया 0.4। अब कितना H ही तो निकालना है, कितनी गहराई पे जाने पर त्वरण का मान रहे, तो H निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा RE * 0.4। अब RE कितना होता है सबको पता होगा, 6400, और ये क्वेश्चन में गिविन रहेगा, कोष्टक में दिया जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या 6400 है, 6400 का सिंपली 0.4 में गुणा कर दो, तो गुणा करा दोगे तो 2560 किलोमीटर आएगा, यानी कि इतने किलोमीटर गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 60% रह जाएगा। अब इसमें कुछ भी विद इन 30 सेकेंड आप कर लोगे इसकी, अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे एक दो बार तो 100% कर लोगे। और यार मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा,
कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें 49 वीडियो पड़े हुए हैं, जबकि चैनल पे 100+ फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के वीडियो हो चुके हैं, यानी कि फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का कोई कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं है। अब क्या है कि वो सभी स्टूडेंट तक मैंने देखा है, कुछ मेरे प्रीवियस वीडियो हैं उन पे व्यूज़ 300, 400, 500 यानी कि वो सभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो फिजिक्स में तो चैनल को प्लीज़ विजिट करो, ठीक है। अब वो वीडियो कैसे हमें आप लोगों तक पहुँचाने वो उसका वे हमें नहीं पता है, बस मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग चैनल पर विजिट कर, जैसे 2 दिन मेरा वीडियो नहीं आता है तो चैनल से जुड़े रहा करो और रिवीजन करते रहा करो, ठीक है। तो इसी तरह के मैं क्वेश्चंस लाता रहूँगा, बस आपको क्या करना है, मेरा मतलब अब यार मैं इतनी आपके लिए मेहनत करता हूँ तो बस इतना तो आपसे कह ही सकता हूँ कि वीडियो को एक लाइक कर दिया करो, ठीक है, प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्ट्रगल आप करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जय हिंद।